दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय कपिला जंगल जंक्शन गोपालपुर। नवगठित पंचायत तप्पा पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने पंचायत के गठन की बधाई देते हुए पंचायत भवन के लिए 33 लाख देने की घोषणा की। विधानसभा अध्यक्ष ने ग्राम पंचायत तप्पा में 12 लाख रुपए की लागत से लगाए गए विद्युतीकृत नलकूप का लोकार्पण किया। इस नलकूप से तप्पा के लगभग 1200 लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने यहां एक ओवरहेड टैंक बनाने की घोषणा भी की। नहीं होते इसलिए जो आज ये काम हुआ है, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। मुझे बताया गया कि यही नजदीक पंचायत घर बनेगा। मेरे पास पंचायत के प्रधान और कुछ प्रतिनिधि आए थे। मैंने कहा जिस दिन आप जमीन तप्पा पंचायत की विभाग के नाम कर देंगे, उसी दिन मैं पहली किस्त 33 लाख रुपए की जारी कर दूंगा। ये भी मैं घोषणा करना चाहता हूं, बहुत लाभ होने वाले हैं आपको। और लाभ किस रूप में होने वाले हैं, पहले आप ठंडोल में थे, अब तो आपका मनरेगा का सारा खाता तप्पा पंचायत का बन गया है। यहां पर 14वें 15वें वित्त आयोग का सारा पैसा इस इलाके में खर्च होगा। यहां पर जो बीपीएल की सूची बननी है, जिसका 2 तारीख को भी निरीक्षण होना है, वो सूची अब आपकी पंचायत की अलग से बनेगी। कि कौन है गरीब, जिस गरीब को हम सहायता करेंगे। मेरा भी काम चलिया, लगभग 3,94,00,000 रुपया इसके ऊपर खर्च हुआ था। और जल जीवन मिशन से कम हुआ था, 621 नए नलके जड़े हैं लगाए जाने हैं, 2 नए ट्यूबवेल लगाए गए हो। आने को साथी मिले हो बोला दे जी कदा होर चाहिए। मैं बोले दूर ने गुजारा नहीं होगा। ओवरहेड टैंक बनाए जा रहे हैं और वितरण प्रणाली में सुधार के लिए नई पाइपें बिछाई जा रही हैं। कार्य प्रगति पर है, 60% काम पूरा हो गया है। 12 लाख रुपए की लागत से तप्पा विद्युतकृत नलकूप लगाया गया है। इसमें सारी तप्पा पंचायत को पेयजल में सुधार होगा। 1200 व्यक्ति लाभान्वित होंगे। ओवरहेड टैंक इसमें बनाया गया। SCST के अंतर्गत तप्पा ठंडोल भटपुरा व चौथी बंड में पेयजल सुधार हेतु 30 लाख सबमिट किए गए हैं। शीघ्र इसमें काम शुरू होगा। पेयजल योजना डुगनी मलाऊ के सुधार हेतु 82 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, इसका काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। के लिए भी 55 लाख, कहीं पर इंटरलॉक टाइल्स डाली गई है, कहीं पर पुलियों का निर्माण किया गया है, इत्यादि इत्यादि सारे काम यहां पर हुए। और यहां पर 12 नए काम शुरू हुए हैं। इसी पंचायत में 7 पूर्ण हो गए हैं, 5 चले हैं, सेंक्शन काम 8 है। और बहुत से नरेगा का काम इस इलाके में जो डिमांड कर रहे हैं उनको प्राप्त हो रहा है, ये मैं कहना चाहता हूं। आप सभी यहां श्री ज्ञानचंद से आपको देवी वाइफ ऑफ तरलोकनाथ डीपीओ ठंडोल आपको भी 8000 रुपए की सहायता दी जा रही है। स्वर्णा देवी के बाद श्रीमती श्री अश्विनी कुमार सन ऑफ
त्रिलोक सन ऑफ ओंकार चंद ठंडोल से 8,000, अरविंद कुमार सन ऑफ शुक्ला के 3,25,00,000 रुपए की सहायता जी ने की ये सूत्र जेड़ा है आज जिस रूप उपस्थिति दर्ज करवाई ये सूत्र जेड़ा है मेरी इस बाजू चुथवा बनी पिया तो मैं अपनी इन महिला मंडला जो अपनी तरफ से 11,000 रुपया देने की घोषणा कर दा। पैसे तो बहुत बड़े भी हैं थोड़े हैं पर इतना जरूर है कि भावना जेड़ी है पैसे ते बहुत ऊपर है थोड़ा इतू होना नहीं वास्ते बहुत ही सौभाग्य है इतना रूप है वहां सारे आए शुक्रिया जय हिंद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पालमपुर से जयदीप रिहान की रिपोर्ट। कपिला जंगल जंक्शन गोपालपुर से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर लंबा पट के पास पर्यटकों के लिए पसंदीदा रिजॉर्ट बनाया गया है। टेंट में बने शानदार बेडरूम का निर्माण यहां किया गया है। इसके अतिरिक्त यहां आधुनिक बेडरूम्स भी पर्यटकों के लिए उपलब्ध हैं। धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं और चाय बागान के मनमोहक प्राकृतिक दृश्य यहाँ पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इस रिजॉर्ट में पर्यटकों की हर सुख सुविधा का इंतजाम है। बुकिंग के लिए संपर्क करें डॉक्टर कपिला 9459475944।